सो गैस, जैसे कि आप देख रहे हो लक्ष्मी जी का मैं स्केच कर रहा हूँ। अब जब भी कोई स्केच स्टार्ट करते हो तो जो वाइब्स के साथ आप स्टार्ट करते हो ना, मतलब मेरे साथ होता है, तो मैं इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ कि गैस देखो, आज कोई स्केच के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, मैं जस्ट ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आप अगर कोई स्केच स्टार्ट करते समय जो मूड, जो फीलिंग में आप रहते हो ना कि हाँ भाई मेरे को बहुत बढ़िया करना है, बहुत अच्छे से करना है, उस वाइब को भी संभाल के चलो। मेरे साथ भी होता है, मैं जब स्टार्ट करते समय जो सोचता हूँ ना, 1 या 2 घंटा काम करने के बाद है ना, फिर पता नहीं क्या होता है कि अपने आप को फोर्सली मैं वर्क करता हूँ, तो उससे क्या होता है, आपके उस स्केच पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ पे खास करके ध्यान दो, आप अपनी फीलिंग के को भी उस तरीके से लाओगे ना, तो आप स्केच भी अच्छे से कर पाओगे और साथ ही साथ उस स्केच के साथ एन्जॉय कर पाओगे। अब आपको एक सवाल उठ रहा होगा कि यार वाइब्स को कैसे अपने साथ में लेके आ सकते हैं, तो जैसे अभी लाइक मैं अपने वाइब्स को है ना, चार चार पाँच पाँच, मैं लिटरली अब तक का हाइएस्ट मैंने 8 घंटे अपने टेबल से उठे बिना, ये जो दादाजी का स्केच आप देख रहे हो, इस स्केच पे मैंने 8 घंटे, लिटरली 8 घंटे मैंने वर्क किया। बट हाउ, आज इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे लाइक मेरे को गाना सुनना पसंद है, मतलब कोई भी ऐसा काम करता हूँ, स्केच करता हूँ या फिर कोई भी वर्क करता हूँ, जैसे लॉन्ग ट्रैवलिंग करूँ, बाइक चलाऊँ, इस टाइम पे मेरे को गाना सुनना बहुत पसंद है, खास करके रैप सॉन्ग्स। तो मैं उस सॉन्ग्स को प्ले करके फिर अपना स्केच करना स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे कोई चीज़ आपके पास भी होंगे, जैसे स्टोरी सुनना, कहानी सुनना, या फिर लाइक कुछ वीडियोस देखना पसंद हो ना, तो आप ऐसा करो कि वीडियो प्ले करके सिर्फ सुनो, देखो मत, आप अपने स्केच पे ध्यान दो। तो सुनने से क्या होता है, आपके माइंड जो एंटरटेनमेंट की वाइब्स है ना, वहाँ पे तो आप रहोगे ही और साथ ही साथ स्केच भी कर रहे हो, तो आपकी वाइब्स बने रहेंगे, मतलब लॉन्ग टाइम तक बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसा नहीं, वो आप प्रैक्टिस करते 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 आओगे कंटिन्यूअस। आपको डेली एक तो फिक्स कर लो कि डेली कम से कम 1 आवर मेरे को स्केच करना ही है, ये बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ, डेली कम से कम 1 आवर के लिए स्केच करना ही है, ये अगर आप सोच के चलोगे तो आपका स्केच इम्प्रूव होने पे कोई रोक नहीं सकता। रियली मैंने खुद कोई क्लासेस या कोई ट्यूशंस वगैरह मैंने नहीं गया हूँ, बस मैं अपने से इम्प्रूव किया हूँ मेरे स्केचेस। अभी आप जो स्केच आर्टवर्क देख रहे हो, ये आप चाहे तो गूगल में सर्च करो, यही फ़ोटो अगर आप सर्च करते हो तो कोई भी ऐसा फ़ोटो नहीं है जहाँ पे शेडिंग किया हुआ है। लाइक मैं जितना क्लियरली शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपने से करो। ये चीज़ मेरे को कहाँ से सीखने मिली, मैंने कई सारे वर्क किए, कई सारे आर्टवर्क्स बनाए, अभी तक मैंने कम से कम 100 से भी ज़्यादा आर्टवर्क्स मैंने बनाए हैं, जिसमें रियलिस्टिक भी है, अच्छे है, खराब है, कुछ पार दिया है मैंने, कुछ लाइक नहीं पसंद आया, बट किया है मैंने। मैंने अपना दिन का 1 घंटा 2 घंटा और आज के टाइम पे दिन में 4 4 5 5 घंटे मैं अपने आर्टवर्क को देता हूँ। और आपकी अगर आदत होगी ना कि मॉर्निंग उठने की, तो ये तो और बढ़िया बात है और अच्छी बात है। मॉर्निंग में अगर 1 घंटा भी अगर वर्क करते हो ना, रियली गाइस, काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं जब स्टार्टिंग लेवल में था ना, तो वो पता नहीं मेरे में क्या स्केच की कीड़ा था, जो भी अभी बिगनर हो मेरे वीडियो देख रहे हो ना, इन लोग को पता होगा, उन लोग को भी होता ही होगा कि स्केच करने का एक अलग कीड़ा होता है, वो कुछ टाइम के बाद पता नहीं थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उस चीज़ को कम ना होने के लिए ये पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आपको खास करके ध्यान देना पड़ेगा। आपकी वाइब्स, फीलिंग्स, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा आप स्केच को एंटरटेनमेंट के वाइब्स पे देखोगे,
तो उतना ही बढ़िया तरीके से स्केच कर पाओगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फोटो आपका रेफरेंस जैसा है वैसे ही एज इट इज़ स्केच करना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप उसे अच्छा बनाने की ट्राई करोगे तब जाके वो जैसा है वैसा बनने की बनेगा। ये क्लियरली और लिटरली ये वर्ड हमेशा याद रखो कि आपको आपका दिन का 1 घंटा देना ही रहेगा अगर आपको एक अच्छे आर्टिस्ट बनना हो तो। और आने वाले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आर्ट के थ्रू कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो और कैसे कैसे चीज़ें हैं जहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हो। तो आप ये वीडियो में